आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे 10 खतरनाक वायरस के बारे में। कुछ दशक में कई तरह के वायरस जानवरों से इंसानों में आए जो कि बेहद खतरनाक साबित हुए और हजारों जाने ली। कोविड-19 भी इन्हीं में से एक है जिसका स्रोत अभी पक्का नहीं हो सका है। लेकिन कोरोना ही नहीं, इसके अलावा भी कई ऐसे ह्यूमन वायरस हैं जो इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक हैं। साल 2014 से 2016 के दौरान इबोला आउटब्रेक हुआ। पश्चिमी अफ्रीका में फैली इस वायरल बीमारी से संक्रमित 90% से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। इसे इबोला फैमिली का सबसे खतरनाक वायरस बताया गया था। आज कोविड-19 से पूरा देश जूझ रहा है। दुनिया के लगभग देश इससे पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं और कई लाख व्यक्तियों ने अपनी जान गंवाई है और कई लाख व्यक्ति अभी भी संक्रमित हैं। आज हम कोविड-19 की ही तरह सबसे 10 घातक वायरस के बारे में जानेंगे। साल 1967 में मारबर्ग वायरस की खोज हुई थी। जर्मनी में एक लैब में काम करने वाले लोगों में ये वायरस देखा गया था। पता चलता है कि संक्रमित लोग युगांडा से आए बंदरों के संपर्क में आए थे। मारबर्ग वायरस से संक्रमित में इबोला की तरह ही लक्षण दिखाई देते थे, जैसे आंतरिक रक्तस्राव होना, तेज बुखार और आर्गन फेल होने के साथ लोगों की मौत। कांगो में भी बाद में ये बीमारी दिखी जिसमें मृत्यु दर 80% से भी ज़्यादा थी। अब बात करते हैं इबोला वायरस के बारे में। साल 1976 में रिपब्लिक ऑफ सूडान और कांगो में इसका संक्रमण दिखा था। शरीर के फ्लूड जैसे खांसी, खून, बलगम के जरिए फैलने वाला ये वायरस बेहद खतरनाक है। वहीं इबोला के कई फैमिली यानी कई वायरस ऐसे हैं जो कि इंसानों पर कोई भी असर नहीं डालते हैं। अब हम बात करते हैं रेबीज वायरस के बारे में। तो ये वायरस कुत्ते, बिल्ली, सुअर से लेकर कई तरह के चौपायों के काटने पर इनका डर रहता है। साल 1920 में सबसे पहले इस वायरस का पता चला वॉटसन यूनिवर्सिटी में माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर इल्के मुहलबर्गर के मुताबिक ये आज तक पता चले वायरसों में सबसे घातक हो सकता है। अगर समय पर इलाज न मिले तो सीधे मस्तिष्क पर असर करने वाला ये वायरस अभी भी भारत और अफ्रीकन देशों की बड़ी समस्या बना हुआ है। अब हम बात करेंगे एचआईवी वायरस के बारे में। एचआईवी का वायरस भी घातक वायरसों की श्रेणी में है जिसने 1980 के बाद से अब तक 32 मिलियन से ज़्यादा जाने ली हैं। WHO के अनुसार अफ्रीकन देशों में हर 25 में से एक एडल्ट इससे संक्रमित है, यानी दुनिया में एक तिहाई लोग इसी वायरस के साथ रह रहे हैं। इसके लिए हालांकि एंटी वायरस दवाएं भी हैं जिसे लेने पर बीमार शख्स सालों सामान्य ज़िंदगी जी सकता है। अब हम बात करेंगे हंता वायरस के बारे में। वैसे तो आप लोगों ने हंता वायरस का नाम सुना ही होगा। हंता वायरस नाम के इस जानलेवा वायरस की खोज साल 1993 में हुई जब अमेरिका में एक कपल की संक्रमण के कुछ दिनों के भीतर ही मौत हो गई। ये वायरस वैसे इंसानों से इंसानों में नहीं फैलता है बल्कि संक्रमित चूहे के संपर्क में आने से इसका संक्रमण फैलता है। बीमार चूहे के फ्रेश यूरिन के संपर्क में आने या उसकी लार को छूने से ऐसा होता है। यहाँ तक कि संक्रमित जीव के आसपास की हवा में भी ये वायरस रहते हैं और इससे भी इंसानों को ये बीमारी हो सकती है। अब हम बात करेंगे इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में। इन्फ्लुएंजा वायरस यानी फ्लू के वायरस भी काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। WHO के अनुसार एक टिपिकल फ्लू सीजन में 5 लाख से ज़्यादा मौत हो सकती है। अब तक का सबसे घातक फ्लू स्पेनिश फ्लू माना जाता है जिससे 50 मिलियन से भी ज़्यादा मौत हुई थी। अब हम बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। फिलीपींस और थाईलैंड में साल 1950 में सबसे पहले डेंगू फीवर दिखा था। अब दुनिया का लगभग 40% हिस्से इससे प्रभावित हो चुका है। WHO की माने तो मच्छरों से फैलने वाली ये बीमारी लगभग सालाना 50 से 100 मिलियन लोगों को प्रभावित करती है। हालांकि इसमें मौत की दर दूसरे वायरस की अपेक्षा कम है, लेकिन अगर इलाज न मिले तो 20% मामलों में मरीज की मृत्यु हो सकती है। इसकी वैक्सीन खोजी जा चुकी है, लेकिन इसकी शर्तें ये हैं कि जिसे वैक्सीन दी जा रही है
वो पहले कभी डेंगू संक्रमित हो चुका हो। ऐसा न होने पर सीवियर डेंगू का खतरा रहता है, जिससे जान भी जा सकती है। अब हम बात करेंगे रोटा वायरस के बारे में। भले ही आप लोगों ने रोटा वायरस का नाम पहली बार सुना हो, लेकिन रोटा वायरस काफ़ी खतरनाक विषाणुओं की लिस्ट में शुमार किया गया है। नवजात और छोटे बच्चों में इसकी वजह से सीवियर डायरिया हो जाता है। भारत में भी ये रोटा वायरस बड़ी समस्या है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां साफ पानी की व्यवस्था नहीं है। साल 2008 में WHO के मुताबिक दुनिया भर में 453,000 से ज़्यादा बच्चों की इस वायरस के संक्रमण से जान गई थी। हालांकि अब इसकी वैक्सीन आ चुकी है। अब हम बात करते हैं SARS और MERS के बारे में। साल 2003 में SARS सबसे पहले चीन में दिखा था और जल्द ही 2 दर्जन से अधिक देशों में इसके मरीज पाए गए थे। इससे 774 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि अब तक ये पता नहीं चल सका है कि SARS किस जानवर से फैला था, लेकिन कई वैज्ञानिकों का मानना है कि बिल्ली का मांस खाने की वजह से ये इंसानी शरीर तक पहुंचा। इसकी कोई भी वैक्सीन या पक्का इलाज नहीं है। इसके बाद साल में आया MERS। इसे मिडिल ईस्ट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम कहते हैं। सऊदी अरब में फैली इस जानलेवा बीमारी का स्रोत ऊंट था, यानी ये वायरस ऊंट के द्वारा फैला था। इसमें मृत्यु दर 40% है, जो कि जानवरों से इंसानों में पहुंचे वायरस में सबसे खतरनाक माना जा रहा है। इससे बचने के लिए भी अभी तक कोई भी टीका या वैक्सीन नहीं बनी है। इसके बाद बारी आती है COVID-19 की, जो कि कोरोना वायरस फैमिली का नया सदस्य है। इसे SARS CoV-2 भी कहते हैं। चीन के वुहान से बीते साल दिसंबर में दिखा ये वायरस अब दुनिया के लगभग हर देश को अपनी चपेट में ले चुका है और 24 लाख से ज़्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। इसके स्रोत का कोई पक्का प्रमाण नहीं है। माना जा रहा है कि संक्रमित चमगादड़ या कुत्ते से ये इंसानों तक पहुँचा है।